जाति मोर्चा का सम्मेलन है। साथियों, आज से कुछ वर्ष पहले अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या तो 25% थी, लेकिन बजट में प्रावधान मात्र 11% का होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री बने, तो 11% का बजट बढ़ाकर 25.5% किसी ने किया था तो प्रेम कुमार धूमल जी ने किया था। यानी कि उसके बाद अब तक बजट जितना मर्जी बड़ा होगा, 25% से ज्यादा हिस्सेदारी दी तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम कुमार धूमल जी ने दी। और फिर उस समय की हमारी सरकार बनी तो प्रेम कुमार धूमल जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में अंबेडकर भवन बनाकर दिया, 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धूमल जी ने दिया। मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी आई तो मोदी जी ने वो किया जो आज से पहले नहीं हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म स्थली, दीक्षा स्थली और यहां के चैत्य भूमि तक, जन्म भूमि, चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि तक, पांचों के पांचों स्थानों में, महू में, नागपुर में, मुंबई में, इंग्लैंड में और दिल्ली में, पांचों स्थानों पर म्यूजियम और पंच तीर्थ किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, हमारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स की बात हो, नरेंद्र मोदी जी ने देने का, कितनी मिलती है मैं आपको ये भी बताता हूं। आज देखिए, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें 71% लाभार्थी जो है वो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के हैं, 71%। और पीएम किसान सम्मान निधि जो साल का 6,000 रुपया हमारे किसानों को मिलता है, वो सूक्ष्म लघु किसान को एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के 80% लोग हैं। कुल 11 करोड़ में से 80% हमारे एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के हैं, यानी कि 8 करोड़ के लगभग हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना मिली, जो पक्का मकान मिला, 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला, उनमें से 46% मकान मेरे एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के भाई बहनों को मिले हैं। भाई और बहनों, यही नहीं, आज अगर हम इसको भी देखेंगे, स्कॉलरशिप को, वजीफे को, तो उसमें भी 48% से ज्यादा हमारे एससी, एसटी वर्ग के भाई बहन। और जो हमारा मुद्रा योजना का लोन मिला, उनमें अगर 34 करोड़ ऋण मिले तो उनमें से भी 65% महिलाएं थी, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी भाई बहन मेरे वो भी 65% के लगभग थे। तो आप कुल मिलाकर देखिए, भारत सरकार की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ किसी को मिला है तो मेरे एससी वर्ग को मिला, मेरे एसटी वर्ग को मिला, मेरे ओबीसी वर्ग को मिला। ये तब मिला जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और मेरे भाइयों बहनों को इसका लाभ पहुंचाया है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी अपना मकान है, जिनको रह गया उनको पक्का मकान मोदी सरकार अगले 5 वर्षों में और बनाकर देगी। अब आप देखिए, बने कितने थे मकान, 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए, उनमें से 3 करोड़ की रजिस्ट्री सीधी बहन के नाम पे है, उनके नाम पे मकान बोलते हैं, यानी कि मेरी 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी हो गई। और 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए, इज्जत घर बनाकर दिया, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दे दी। अरे, आजादी से लेके 2014 तक मात्र 3 करोड़ घरों को नल से जल था, मोदी ने 5 सालों में 13 करोड़ घरों तक पहुंचा दिया। हर गांव, हर घर तक बिजली पहुंचाई, एलईडी के बल्ब लगवाए, और अब मेरी 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा भी बिल्कुल मुफ्त में दे दिया मोदी जी ने। तो जयराम जी ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना चलाकर महिलाओं को मुफ्त में दिया चूल्हा और रसोई गैस का सिलेंडर। आज आपको रसोई गैस का सिलेंडर मात्र 503 रुपए में मिलता है। दुनिया भर में गैस के दाम दुगने हो गए, लेकिन मोदी जी ने यहां पर कम करके अपनी बहनों को सौगात दी है। रक्षाबंधन का त्योहार पर मोदी ने तोहफा दिया।
कटाए दाम बधाए नहीं है। और यही नहीं मेरी बहनों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में दिया आयुष्मान भारत योजना में, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज, जरूरतमंद को मुफ्त में अनाज, आप गरीब नहीं भी है जरूरतमंद है तब भी आपको मिला, 80 करोड़ को मिला है। और अगले 5 साल की गारंटी भी नरेंद्र मोदी ने दे दी है, 12 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा लेकिन आपको अनाज अगले 5 साल के लिए मिलेगा। उन में एक चीज का नोटिस करती, तू हंज बैठे बैठे सहजे मिल गया तिस पर ताली नहीं बजाई, कने सहजे अगले 5 साल की गारंटी इलाज कने अनाज री मुफ्त री मिलेगी तिस पर ताली तुहे जोर ने बजाई। ये नेता को रीड करना आना चाहिए भी क्या हो रहा है, या किसी को भी। मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस ने झांसा दे दे के आपसे 60 साल वोट लिया, 65 साल सरकारें बनाई, यानी कि वो समझदार पार्टी लगती थी इस मुकाबले में, लगता था अगली बार के लिए बताते थे भाई देंगे, लेकिन देते नहीं थे, फिर अगली बार के लिए रखते थे देंगे, देते नहीं थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने क्या करके दिया, अरे 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट बना दिए, दुगने कर दिए। 2014 तक 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे कर दिए। 2014 तक केवल 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, हमने पिछले 10 सालों में 3,75,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बना दी। 2014 तक केवल 7 एम्स थे। कांग्रेस वालों को तो कुछ नहीं लेना देना देश से, वो तो अपनी जेबें भरने में लगे रहते थे। मेरे भाई और बहनों, इतना ही फर्क पड़ता है कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब गए, जब देश को आगे बढ़ाकर गए, तब 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत था। कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, देश 10वें नंबर पर ही रहा, कभी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन गरीब मां का बेटा आया, ईमानदारी से देश को चलाया, आज भारत 10वें नंबर पर नहीं, अंग्रेजों को पछाड़ कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। फर्क इतना है, उस समय हमारे खजाने में विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 287 बिलियन डॉलर, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया था, आज 660 बिलियन डॉलर है, लगभग 5 लाख करोड़ रुपया हमारे खजाना भरा मोदी ने, कांग्रेस वाले खाली कर गए थे। और दूसरा, हमारा एक्सपोर्ट दुगने से ज्यादा हो गया, 766 बिलियन डॉलर हो गया। हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 5.2% था, आज वो कम करके 3.2% आ गया। हमारे बैंक 12 में से 11 घाटे में थे, आज 12 के 12 मुनाफे में आ गए, 1 लाख करोड़ का मुनाफा हमारे बैंकों ने कमाया। अब ये आम आदमी से जुड़ा है भाई, आपका ही टैक्स का पैसा बैंकों में जाता है, वो बैंक बचते हैं, उसमें पैसा प्रॉफिट आता है तो आपको ज्यादा पैसा मिलता है। पहले किसान को 7,30,000 करोड़ रुपया कांग्रेस के टाइम पे 2013-14 में मिला, पिछले साल हमने 20 लाख करोड़ रुपया किसान को दिया, तो 3 गुना ज्यादा देने का काम भी किसान को भारत के बैंकों ने किया। लगातार हमारे ब्याज दर कम होती जा रही है, क्योंकि बैंक मुनाफे में आ रहे हैं तो ब्याज दर लगातार कम हो। भारत जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। अब एक काम करते हैं, अब पहले इस तरफ वाले बोलेंगे, आप दोनों में कम, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम। आपको बधाई हो, हमारे यहां के लोकप्रिय विधायक और पूर्व में रहे माननीय मंत्री आदरणीय भाई विक्रम ठाकुर जी, जिला के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय भाई संजीव शर्मा जी, एससी मोर्चा के जुझारू जिला अध्यक्ष आदरणीय कमल नारायण डोगरा जी, प्रदेश के हमारे सचिव एससी मोर्चा के भाई दिनेश पाटिया जी, हमारी जिला परिषद की वाइस चेयरमैन चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती स्नेहलता परमार जी, हमारे मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष भाई वरिंदर सिंह जी, हमारे
जिला के उपाध्यक्ष एससी मोर्चा के भाई श्रवण कुमार जी, एससी मोर्चा के हमारी पार्टी जसवा प्रागपुर में आगे बढ़ रही है। इतना ही कहते हुए आप सबसे यही निवेदन करते हुए कि आओ, ये जो महान पर्व 1 जून को होना है उसमें हम सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, भाई अनुराग ठाकुर को 5वीं बार सांसद बनाकर भेजें, और कांग्रेसियों के से जो मैंने आपको प्रश्न करने के लिए बोले हैं वो प्रश्न आप कांग्रेसियों से जरूर करें। महिलाएं, बहनें, भाई, नौजवान मित्र, किसान, बागवान, सारे के सारे लोग अगर वो प्रश्न करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेसी आधे घरों में जाकर वापस चले जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अच्छे सुने और उसको अपने पोलिंग बूथ के ऊपर जाके इम्प्लीमेंट करें। भारत माता की हालत बड़ी खराब है। आज आवाज ही नहीं है आपकी, बात चली है आपकी कि यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। भारत माता की थोड़ा जी गेम बड़ी हल्की जी। एक उधर गए रमेश जी, पत बने मदना भी बने ला, तो देखो भी आप पूरा जोर लगाइए। भारत माता की जय। अनुराग जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अनुराग जी को जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसी मोटा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसी मोटा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद कि जो अनुराग जी को